प्रूफ करना होता है एट द एंड। हाँ आप अपने आप को प्रूफ कर देते हो, मैनेजर मान जाता है, ओके फाइन, वो आपको रेटिंग दे देता है। जब वो रेटिंग दे देता है आउट ऑफ फाइव, 1 या 2 या 3 या 4 या 5, उसके हिसाब से आपका इंक्रीमेंट होता है। अब कितनी रेटिंग पे कितना इंक्रीमेंट परसेंटेज, ये तो कंपनी को पता है, हर साल डिफरेंट होता है। Hi guys, welcome to Crazy Clowns. So hope you are doing well and सब कुशल मंगल हो। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रोकड़े के बारे में, है ना। पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे कमाती है ना। ये enough of सन hip hop, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैसे के बारे में, है ना। पैसे। तो सिंस हम लोग आईटी इंडस्ट्री से अपना वास्ता रखते हैं भाई, तो हम लोग बात करेंगे आज की आईटी इंडस्ट्री में ना, आप अपना इंक्रीमेंट कैसे अच्छा करा सकते हैं, ना आई नो एटलीस्ट सम गुड परसेंटेज एटलीस्ट, है ना, जो कि बाकी लोगों को जैसे नॉर्मलाइज होता है कई बार आईटी इंडस्ट्री में ना, कि 4% मिल रहा है, 5% मिल रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपना डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं उन नंबर्स के में, 4-5% से 10% तक जा सकते हैं आप, 11%, 15% जो भी है ना, बेस्ड ऑन योर वर्क और बेस्ड ऑन योर कैलिबर, जो भी आपने किया है एक साल के अंदर, रिव्यू के टाइम पे आप कैसे बढ़वा सकते हैं। तो आज हम इन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जस्ट टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट कि आज का वीडियो किसके बारे में होने जा रहा है हमारा। तो पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा बिना किसी देरी के, कि ऐसा क्या ऐसा होता है या फिर क्या ऐसा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है एक एम्प्लॉई का, जो कि उसको अलग बनाता है, है ना, बाकी सबसे, और उसका जब भी रिव्यू होता है या परफॉर्मेंस उसकी देखी जाती है, तो उसको हायर अप्रेजल के लिए, अपने अप्रेजल परसेंटेज के लिए उसको नॉमिनेट किया जाता है या फिर है ना उसका नाम आता है उस लिस्ट में, ऐसा क्या है? तो ये जो सवाल है आपका स्पेसिफिक टू फ्रेशर है या किसी भी लेवल? नहीं, किसी भी लेवल पे कोई भी एम्प्लॉय है कंपनी का उसके लिए। ओके, क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है उसका अप्रेजल में? हाँ, अप्रेजल अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होता है, कहीं पे एवरी 6 मंथ होता है और कहीं पे ईयरली होता है, मोस्टली जगह मैंने देखा अप्रेजल सिक्स मंथ भी होता है। कुछ कंपनी 6 मंथ भी करती है, कुछ ज़्यादातर कंपनी ईयरली भी करती है। ओके, बट अप्रेजल एक चीज़ होती है और एक परफॉर्मेंस रिव्यू होता है। अप्रेजल होता है परफॉर्मेंस रिव्यू के ऊपर, परफॉर्मेंस रिव्यू आपका मंथली भी हो सकता है, परफॉर्मेंस रिव्यू 3 मंथ्स भी हो सकता है, परफॉर्मेंस रिव्यू 6 मंथ भी हो सकता है एवरी, वो एक कंपनी प्रोसेस है। अब आपको दैट एक प्रोसेस के हिसाब से होता है वो एक अलग चीज़ है, और आपको कितना फ्रिक्वेंटली करना चाहिए वो एक अलग बात है। बोथ कैन बी सेम, बोथ कैन बी डिफरेंट ऑल्सो। आप अपना अलग फ्रिक्वेंसी रख सकते हो इफ़ यू वॉन्ट कि तुमको कनेक्ट करना है मैनेजर से, लीड से, और फीडबैक लेना है, बट अगर तुमको लगता है कंपनी का प्रोसेस ठीक है देन इट्स ओके। अच्छा, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है आप अपने ऊपर ना, अपने अकॉर्डिंग आप अब चाहो अपना एक कनेक्ट रख लो अपने मैनेजर के साथ में, है ना, अपना परफॉर्मेंस के लिए। और ये बेटर होता है हमेशा कि आप ना थोड़ा प्रोग्रेसिवली जैसे जैसे आप काम करते जा रहे हैं ना वो शोकेस करते चलें, नहीं तो क्या होगा कि आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाएंगे एट द एंड ऑफ द ईयर जब जाएंगे या फिर 6 मंथ्स में जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो क्या होता है कि जो साल भर हम काम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कंपनी का परफॉर्मेंस ईयर चलता है अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर मार्च तक, तो अप्रैल से मार्च तक आपका परफॉर्मेंस आपका जो होता है वो आपका मेजर करते हैं, मार्च तक नहीं, अप्रैल से फॉर एग्ज़ाम्पल दिसंबर तक, बिकॉज उनको 3 मंथ से ही है आकर सब कुछ कैलकुलेट करने, फॉर्मुलेट करने में। अच्छा। और कंपेरिजन करने में 2-3 महीने लगता है, तो लास्ट का 3 मंथ जो होता है ना वो परफॉर्मेंस में इधर पर काउंट नहीं होता है, बट वो नेक्स्ट ईयर में काउंट हो जाता है, ऐसा समझ लीजिए आप, ठीक है। अनलेस कोई वो लास्ट के 3 मंथ्स में कोई ब्लंडर नहीं करता है, ब्लंडर करता है तो उसी ईयर उसे कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, नहीं तो मान के चलते हैं जो अप्रैल से दिसंबर तक काम हुआ है परफॉर्मेंस वैसे ही चलेगा आगे। अच्छा, उसके बेस पे हो जाता है। अब परफॉर्मेंस क्या होता है? परफॉर्मेंस ये है कि बंदा काम कैसे करता है, काम मीन जो उसको दिया जाता है, फिर उसको डिलीवरी टाइम पे करता है, लेट करता है कि जल्दी करता है,
अपना टाइम कितना सेव करता है, कितना इफेक्टिव है वो, कितना प्रोडक्टिव है काम करने में। प्रोडक्टिविटी मतलब एक इतने टाइम में कितना काम करना, वो प्रोडक्टिविटी होती है ना। अगर कम कम टाइम में ज़्यादा काम करें तो बोलते हैं ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो गई आपकी, ये होता है। और वो चीज़ कैलकुलेट होती है, प्लस आपका आपने एक्स्ट्रा काम क्या किया है, मैं एक्स्ट्रा काम पे आऊँगा थोड़ी देर बाद, आपने दूसरों का हेल्प कितना किया है, सॉरी आपने दूसरों का हेल्प कितना किया है, आपने नया क्या सीखा है, एडिशनल क्या सीखा है, काम में जो सीखा है वो एक चीज़ है, एडिशनल क्या सीखा है आपने, जो आपने सीखा है उसको आपने कंपनी को कैसे दिया है वापस, आपने मतलब सीख लिया। एडिशनल में मतलब ये भी हो सकता है कि आपने सर्टिफिकेशन कोई किया होगा बाहर हाँ से, है हाँ ना, कुछ हाँ ट्रेनिंग करी होगी, क्लासरूम हाँ ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेशन, हाँ ये कुछ सर्टिफिकेशन हो सकता है। और आपको जो आपने सीखा उससे आपने फिर से कंपनी को क्या दिया, क्योंकि जो आप हाँ। सीखते हो एट द एंड कंपनी को उससे फायदा होना चाहिए। तो अगर यहाँ आप यहाँ पर मैं एक चीज़ ये भी ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर, कि आप जब भी कोई सर्टिफिकेशन वगैरह करते हैं अपना कंपनी में, कुछ एक्स्ट्रा जो शोकेस करना चाह रहे हैं अपना काम के अलावा, तो कोशिश करिए कि जिस प्रोजेक्ट में आप हो उस टाइम पे, जिस पे काम करो टेक्नोलॉजी पे, उसे थोड़ा रिलेवेंट हो वो सर्टिफिकेशन। ऐसा ना हो कि आप नहीं ऑफ लिनक्स कोर्स, एडमिन हो और आप जब पाइथन की ट्रेनिंग करके आ गए हैं अब ना, और अपना नहीं, सर्टिफिकेशन दिखा रहे हो हाँ कि मैंने कर लिया, नहीं मैं आता हूँ तो उसके उसके फिर थोड़ा सा एक फ्लो बनाता हूँ, ठीक है। क्योंकि वो इररिलेवेंट सर्टिफिकेशंस का तो कंपनी पैसा भी नहीं देती है उसको, वो भी बताऊँगा अभी मैं। तो क्या होता है कि आपका साल शुरू होता है, आप काम करते हो, काम करते करते कंपनी की बहुत सारी ट्रेनिंग्स आती हैं बीच में जो आपको करनी पड़ती हैं, दैट इज़ फाइन, करना ही पड़ता है, मैंडेटरी होता है। कंपनी फिर आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप ये टेक्नोलॉजी सीख लो और इसको सीख के आप इसका सर्टिफिकेशन कर लो। सर्टिफिकेशन मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट के होते हैं, IBM के होते हैं, गूगल के हो गया, अमेजोन का हो गया, सर्टिफिकेट कर लो आप। वो सर्टिफिकेशन प्रमोट करने के लिए कंपनी उसका रिइम्बर्समेंट भी करती है, या आपको कूपन देगी, आप सर्टिफिकेट कर लो, सो यू डोंट हैव टू पे फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम योर पॉकेट, आपको सिर्फ वो सर्टिफिकेशन करना है, पढ़ाई करके निकालना है, तो आप सर्टिफाइड हो जाओगे। वो सर्टिफाइड से कंपनी का क्या फ़ायदा है, कंपनी बोलती है मेरे इतने एम्प्लॉई है, दीज मनी एम्प्लॉयज आर सर्टिफाइड ऑन दिस टेक्नोलॉजी फ्रॉम दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम दिस पब्लिशर। पब्लिशर का वैल्यू बहुत होता है, माइक्रोसॉफ्ट वेरी बिग नेम, अमेजोन बिग नेम, गूगल वेरी बिग नेम, तो जब उनसे सर्टिफाइड लोग होते हैं ना तो उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो एक तरीके से समझ लो और आप दूसरी बात ब्रांड ये वैल्यू हो भी हो जाती है। सकती है कि भाई जब एक कंपनी देखता है कि मेरे इतने एम्प्लॉय सर्टिफाइड है ना, तो काइंड ऑफ वो अपना टेक स्टैक रेडी रखता है। फॉर एग्जांपल कल को कोई प्रोजेक्ट आ रहा है ना, उसमें वो रिक्वायरमेंट है ना उस प्रोजेक्ट में, उस चीज़ की, उस टेक्नोलॉजी की, तो वो कहेगा मेरे पास ऑलरेडी इतने बंदे सर्टिफाइड हैं ये सर्टिफिकेशन। टेक स्टैक रेडी करता है, हाँ प्लस वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को, हाँ अपने क्लाइंट्स को, कि देखो हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी का इतना बंदा है, इतना सर्टिफाइड है, तो हाँ उनको भी एक ट्रस्ट आता है कि हाँ ये हमारा प्रोजेक्ट लेंगे तो हैंडल कर पाएंगे, ये ओके पैसा डुबाएंगे नहीं, वो हाँ बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है वो। तो वो होता है, आपको कंपनी ट्रेनिंग कराती है, सर्टिफिकेशन कराती है, आप उसको करते हो, टाइम टाइम करोगे आप, वो आपका परफॉर्मेंस में ऐड होता है कि इस बंदे ने इतना सर्टिफिकेशन किया है। और जब भी ईयर का स्टार्ट होता है ना, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, आपके गोल्स तय होते हैं पूरे साल के 6 महीने के गोल्स कंपनी तय करती है कि आपको ये चीज़ इतना इतना चीज़ें करना है ना, आपको इतना क्वालिटी डिलीवरी देना है, इतना अच्छा कोड लिखना है कि इसमें कम बग्स आएँ, आपको सर्टिफिकेशन करने हैं इतने, 2, 3, 4 जितने भी हैं नंबर आ जाता है, आपको इतना ट्रेनिंग्स करना है, इतने आवर्स का ट्रेनिंग करना है आपको, और तो कुछ जब ऐसा नॉलेज हाँ शेयरिंग सेशंस भी करने हैं, क्रॉस टीम आप हाँ कनेक्ट करें, यस है ना, यस यस ये तो बहुत वो हाँ इम्पोर्टेंट है। नॉलेज शेयरिंग सेशंस, यस अगर आप उतना एक्सपीरियंस हैं और आप में उतना कॉन्फिडेंस डेवलप है तो आप करिए, वो चीज़ें आपको एलिवेट कर देती हैं परफॉर्मेंस में। आप सेशन लेते हो, ट्रेनिंग्स लेते हो ना, जिससे मतलब आप आपका खुद का तो प्रोडक्टिविटी है, आपको नॉलेज है, आप दूसरे का भी बढ़ा रहे हो, है ना। और जब आप दूसरे को ट्रेनिंग देते हो तो आप उसको इंश्योर करना पड़ेगा उस समय आपको कि वो सीख के वो और वो भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो कंपनी को फ़ायदा है, कंपनी को हमेशा फ़ायदा देखना अपना, कुछ भी करो आप कंपनी उसमें फ़ायदा देखेगी, उससे आप नहीं बच सकते। फिर जब गोल बनते हैं, गोल के हिसाब से आप ट्रेनिंग करते हो और सर्टिफिकेशन करते हो। अभी जब गोल्स बनते हैं तो एक नंबर तय होता है, 4 ट्रेनिंग्स, 2 सर्टिफिकेशंस, 18 आवर्स ट्रेनिंग, ये नंबर्स बेंचमार्क हैं, इतना आप करोगे तो आपका परफॉर्मेंस एवरेज हो जाएगा, ये एवरेज है, और ये क्योंकि आपसे जितने जब इतना एक्सपेक्ट करता, आपने इतना ही करा तो एक्सपेक्टेड हो गया ना, ये एवरेज है, इसके ऊपर करोगे तो आपका परफॉर्मेंस बेटर होता जाता है। अच्छा, और एक चीज़ है कि इसमें जो भी आपके गोल्स डिसाइड होते हैं ना स्टार्टिंग में, आपके स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, वो हमेशा मेजरेबल होना चाहिए ना, मतलब जब भी लिखते हैं आप एग्री करते हैं आप मैनेजर के साथ में कि हम ये करने वाले हैं इस साल, तो
वहां पर ये हर चीज मेजरेबल होनी चाहिए कि चार ट्रेनिंग करनी है ना, स्पेसिफिक एक नंबर होना मेजरेबल। चाहिए हाँ, तो बेसिकली आप स्मार्ट पे आ रहे हैं, आप स्मार्ट बोलना चाह रहे हैं, आपकी गोल स्मार्ट बननी चाहिए, SMART। आप लोग हम लोग बात कर सकते हैं स्मार्ट गोल्स क्या होता है, बट अभी उस पर नहीं जाते, अभी हम नॉर्मल एकदम एकदम बेसिक लेवल की बातें कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस मैं बात करता हूँ, परफॉर्मेंस में क्या क्या आता है, तो ये सब परफॉर्मेंस में आता है आपका ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, दूसरों का सेशन देना है ना, दूसरों को नॉलेज शेयर करना, और आपका काम भैया दैट इज़ वो ब्रेड एंड बटर है आपका। आप जैसा काम करते हो, जितना क्वालिटी मेंटेन करते हो काम में, जितने कम डिफेक्ट्स आते हैं, अच्छे से काम होता है, टाइम से पहले हो जाता है, वो सब चीज़ें आपके परफॉर्मेंस में ऐड करती हैं एट द एंड ऑफ द ईयर और एंड ऑफ योर हाफ ईयर या। तो ये चीज़ें एट द एंड ऑफ द ईयर आपका, एट द एंड नहीं, मैनेजर या लीड आपका सब नोटिस करता रहता है ना, और आपको लास्ट में आपको देता है फीडबैक, कहता है ये फीडबैक आपका, आपने ऐसा ऐसा किया है और आपकी रेटिंग ये है। मोस्टली कंपनी में 5 रेटिंग चलती है, 1 से 5 तक, तो 5 मतलब बेस्ट और 1 मतलब वर्स्ट। यहाँ पे 1 मतलब नहीं नंबर 1, वो नहीं है बोले हम नंबर 1 हैं, 5 मतलब बेस्ट, 1 मतलब वर्स्ट। तो इस तरीके से, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि ये 6 मंथ्स और ईयर एंड पे मैनेजर करता है, लीड आपका करता है, वो तो कंपनी प्रोसेस है। इट्स क्वाइट पॉसिबल, वेरी हाई चांसेस आर देयर कि वो भूल जाए कि आपने क्या अच्छा किया, स्पेशल किया था, एट द एंड ऑफ द ईयर भूल जाए। सही बात है। तो आपको क्या करना है, आपको मंथली कनेक्ट करना है उससे। ये मेरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मंथली कनेक्ट करते हो तो आपने वो फ्रीक्वेंसी 12 टाइम्स कर दी जो 2 टाइम्स थी, विच मीन्स यू विल मेक श्योर दैट यू आर टेलिंग हिम एट द राइट टाइम कि देखो मैंने ये किया है। Yes, आपको yes. बात करना पड़ेगा, आपको उसको बताना पड़ेगा, आपको जताना पड़ेगा हमने काम किया है, मैंने ये डिफरेंट किया है, वो डिफरेंट किया, दैट शुड गो इन हिज हेड। वरना क्या होता है कि ओवर टाइम चीजें फेड हो जाती हैं, वो कुछ भी हो, मतलब भूल जाते हैं, ओवर टाइम फेड हो ही जाती है, जाते हैं। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ऐसे दिस इज बाउंड टू हैपन बिकॉज एट द एंड योर मैनेजर इज ऑल्सो ह्यूमन। तो आप खुद ही भूल जाओगे यार, कौन सी बड़ी बात है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हम मंथली कनेक्ट करते हैं, अब ये आप मत कहना मैं डेली कनेक्ट करना चाहता हूँ, आप डेली कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट करते जाओगे। सी ये फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करना है। यस यस, है ना, बैलेंस करना है कि ओवर भी ना हो जाए और जो सर्व करना है इस चीज़ को वो सर्व करें। तो फॉर एग्जांपल मंथली और क्वार्टरली 4 times a year, है ना, वो भी बेटर है, दिस फ्रीक्वेंसी आर बेटर देन एवरी 6 मंथ और 1 once a year। ठीक है, एंड जब भी आप परफॉर्मेंस डिस्कशन करो तो आप उसको डॉक्यूमेंट करा लो, आप लिखो और आपका मैनेजर लीड उसको अप्रूव करे, बोले आई एग्री इसने ये किया है। yes. जब आप वो डॉक्यूमेंट करा लेते एट द एंड ऑफ द ईयर वो ही कैन नॉट टर्न बैक सेइंग मुझे तो पता ही नहीं, पता है आपको, आपने दिया था फीडबैक, देखो डॉक्यूमेंटेड है ब्लैक एंड वाइट में, है ना। ईमेल पे आप एक्नॉलेजमेंट भी ले सकते हैं या फिर कुछ भी, है ना, शीट पे अप्रूवल। यस ऑफ कोर्स। हाँ, तो अभी तक तो हमने ना ये सब बात कर ली कि आपका जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे इवॉल्यूएट कराना चाहिए अपने मैनेजर के साथ, है ना, कैसे उसका बाई वीकली कनेक्ट या फिर मंथली कनेक्ट जो भी करना हो आपको जो सही लगे, बेस्ट यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू डू इट, राइट। तो अभी हम थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं इसमें कि आपका जो इंक्रीमेंट फैक्टर है, जो भी परसेंटेज है, वो आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो अपना बाकियों से, आई मीन उसके लिए आप कैसे अकाउंट में आएगा वो, देखिए या हाईलाइट में आएगा। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, वो एवरेज कैटेगरी में आते हैं, ज़्यादातर परफॉर्मेंस एवरेज कैटेगरी में आता है। वो एवरेज क्यों होता है, बिकॉज आपने जितना मैनेजर ने जितना गोल डिफाइन कर दिया तुम्हारा, जैसे मैंने बोला 50 घंटे की ट्रेनिंग, 2 सर्टिफिकेशन, इतना इतना काम करना है आपको, इतना डिलीवरी देना है, ज़्यादातर लोग सिर्फ उतना उतना करते हैं, तो वो सब एवरेज में जाते हैं। एवरेज का मतलब आपका इंक्रीमेंट भी एवरेज। तो अगर कोई साल हाईएस्ट इंक्रीमेंट अगर 10% गया है तो एवरेज होता है 5%, हाफ, ऑलमोस्ट हाफ, है ना, हाफ, हाँ हाफ समझ लो, 5% से ऊपर आपको नहीं मिलेगा एवरेज केस में। आपको ये बढ़ाना है तो आपको क्या है, आपको काम भी एवरेज नहीं करना है, आपको काम एवरेज के ऊपर ही जाना है। आपको बोला 50 घंटे की ट्रेनिंग करो, आप करो 60 घंटे की ट्रेनिंग, सीखो सिखाओ। आपको बोला है आप काम डिलीवरी इतना करना है आपको इतने टाइम में, आप उसको डिलीवरी को कम टाइम में डिलीवर करो और बाकी बचे टाइम और डिलीवर करो, या फिर लर्न करो, या कुछ ऑटोमेशन करो, हाँ, या दूसरे को हेल्प करो, आ रहा हूँ, या दूसरे को हेल्प करो, दूसरे डेवलपर्स की जो स्ट्रगल कर रहा हूँ, वो एक्स्ट्रा हो गया, ये सारा एक्स्ट्रा में आता है। या फिर आप कुछ दिमाग ऐसा लगाओ खाली टाइम में, आप सजेस्ट करो कि ये आइडिया, आप आइडिया दो कि जो करंट प्रोसेस में करंट
प्रोडक्ट में ये चीज़ है अनएक्सप्लोर्ड, इसको अगर हम करते हैं, ये चीज़ मैनुअल होती है फॉर एग्जांपल, यू नो लोगों को डेटा बनाना पड़ता होगा मैनुअली का, मैनुअल काम करके उसको ऑटोमेट कर दो, ऑटोमेट मतलब कोड लिख दो उसको, ऑटोमेशन हो गया, वो अपने आप होता रहेगा टाइमली बेसिस और मिनिमम मिनिमम इंटरवेंशन फ्रॉम अ ह्यूमन, ठीक है। उससे क्या है तो, कि आपका प्रोजेक्ट में टाइम बचेगा और टाइम इज मनी, है ना, तो टाइम उससे वो चीज मैनेजर्स आपके कस्टमर को बेचते हैं जैसे, ऐसा नहीं कहते ये खरीद लो इतने रुपए का, नो वो बोलते हैं कि देखो हमने आपके लिए ये हम करके दे रहे हैं, वैल्यू एड मान लो इसका कुछ, मान लो कस्टमर हैप्पी कस्टमर देखेगा यार इन्होंने तो हमारे लिए एक्स्ट्रा करा है, इससे हमारा ही टाइम बच रहा है, पैसा बच रहा है, तो ये वैल्यू एड हो गया, एडिशनल वैल्यू एड हो गया। हाँ तो जब वैल्यू ऐड हो गया तो कस्टमर क्या सोचता है, इनको और काम देंगे, इनको हम और देते हैं, खुश होगा ना, कोर्स वो और काम लेके आएगा और उससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा कंपनी का, तो ये फायदा है। तो जब ये देखते हैं मैनेजर या लीड आपका देखेगा आप हेल्प कर रहे हो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाने में, तो आपका इंक्रीमेंट भी बेटर करेगा, आपकी रेटिंग अच्छी देगा फॉर श्योर। सो दिस इज हाउ इट्स रिलेटेड, आप किसी को एक्स्ट्रा टाइम लगा के सिखा रहे हो, किसी को ट्रेन कर रहे हो, वो इंटर्न क्या करते हैं, इंटर्न दे आर गोइंग ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इट इन देयर वर्क, तो उससे काम उनका या तो फास्ट होगा या उनको नहीं आता वो सीख जाएंगे, करना सीख जाएंगे, तो ये कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है ना, कस्टमर इज हैप्पी इनडायरेक्टली फ्रॉम योर व्हाट यू डन। जब कस्टमर हैप्पी है तो फिर से बात वही आ गई, कस्टमर आपका रेवेन्यू बढ़ाएगा। तो आप जितना भी एक्स्ट्रा करोगे ना उससे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, चांसेस तो आएंगे, एटलीस्ट चांसेस आते हैं, चांसेस होंगे, तो वो चीज़ कंसिडर होती है आपके परफॉर्मेंस में। अच्छा ये हम लोग बहुत ब्रॉड टर्म पे बात करिए ना कि आप कुछ एक्स्ट्रा करिए, तो थोड़ा स्पेसिफिक दो तीन पॉइंट, जस्ट टू थ्री पॉइंट्स में आप समराइज कर सकते हैं कि वो एक्स्ट्रा में क्या क्या आता है, जैसे मैं कुछ लोग नए देख लेंगे हमारे आपके लिए जो गोल बनाया है लीड मैनेजर ने, उस गोल से ऊपर उठ के करो आप। उसने बोला 10 ट्रेनिंग करनी है, 11-12 ट्रेनिंग करो, एक्स्ट्रा हो गया वो, एक्स्ट्रा फ्रॉम वॉट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, एक्स्ट्रा इज ऑल अबाउट दिस। आपसे अगर काम एक्सपेक्ट करा जा रहा है ना सिर्फ, तुम ये डिलीवरी करो, काम करना है, तो आप उसके अलावा एक्स्ट्रा करके दो, नहीं मैं ट्रेनिंग भी दूंगा। अच्छा वही आपको डिफरेंशिएट करेगा बाकी लोगों से, yes, काम तो सभी कर रहे हैं ना, yes, प्रोजेक्ट में, yes, है ना? काम सभी कर रहे हैं, फिर वो मैनेजर बोलेगा कि आपने एक्स्ट्रा क्या किया है, काम तो exactly, भी किया है, एट सम लेवल बोलेंगे क्वालिटी भी आपके काम का सेम ही है ऑलमोस्ट, बहुत डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, फिर क्या दीज एक्स्ट्रा जो भी आप करोगे, दीज आर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स, दे आर गोना बी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स एट द एंड ऑफ योर परफॉर्मेंस ईयर, एंड यू विल फाइंड वन टर्म रिटन फॉर ऑल दीज एक्स्ट्रा की स्ट्रेच गोल करके ना, यू विल फाइंड दैट वन वर्ड टू वर्ड्स, वो भी यही है गोल, वो भी यही है, कुछ नहीं है, वो यही है कि भाई एक्स्ट्रा क्या करते हो प्रोजेक्ट के अलावा, यस को बोलते हैं स्ट्रेच गोल। स्ट्रेच गोल इसलिए बोलते हैं कि एक तो जो आपको बोला जाता करना है परफॉर्मेंस ईयर में वो होता है आपका गोल, स्ट्रेच गोल उसके से बोलते हैं जहाँ आपके मैनेजर ने डिफाइन कर दिया है कि देखो ये तो गोल है, इसके ऊपर गोल बनूंगा एवरेज परफॉर्मेंस, और मैं ही बता रहा हूँ तुमको कि स्ट्रेच गोल ये हो सकता है, वो भी डिक्लेयर हो गया। अच्छा अब आपके ऊपर छोड़ा नहीं है उसको, बस जब आपके ऊपर छोड़ा है तो आप एक्स्ट्रा करके बता रहे हैं देखो मैं ये भी कर रहा हूँ। जब मैनेजर ने ही डिफाइन कर दिया ये स्ट्रेच गोल है, तो वो आपको पता है कि हम आपको डिफाइंड है, ये मेरे को यहाँ तक तो ले जाएगा, मैंने कर दिया। तो और इसमें एक चीज़ और भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि जब आप कुछ एक्स्ट्रा करते हो ना कंपनी में, मतलब अपने काम के अलावा, तो कई बार क्या होगा कि हमेशा वो कोरिलेट नहीं करेगा मनी से ही, है ना, कई बार क्या होगा कि अगर कंपनी आपका इंक्रीमेंट नहीं कर पाएगी किसी भी वजह से, तो आपको या तो हायर पोजीशन में मूव करेगी या एलिवेट करेगी आपकी पोजीशन को, हमेशा ध्यान में रखेगी एटलीस्ट आपके लिए कुछ अच्छा करने के लिए, या तो अगर किसी को ऑन साइट भेजना होगा तो आपका नाम लिस्ट में डालेगा भाई कि इस बंदे को प्रायोरिटी दो, है ना, ये अच्छा काम किया। तो हमेशा ये मॉनिटरी से कई बार रिलेटेड नहीं भी होगा ना, तो आपको वन और दी अदर भी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा जरूर। यस मॉनिटरी नहीं तो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, यस डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। हाँ आपको आपका नाम अवार्ड के लिए भेजा जा सकता है, हाँ तो वहाँ भी कई बार मॉनिटरी बेनिफिट होता है। यस अगर आपके कॉम्बिनेशन में ऐड नहीं हो रहा है तो वो ऐसे ऐड हो जाता है, तो देर आर लॉट ऑफ वेज, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स ऑन शोर अपॉर्चुनिटीज, यू नो बहुत सारी चीज़ें, तो ये सारा ही एक तरीके से रिवॉर्ड होता है जो एम्प्लॉय को मिलता है, ठीक है ना। तो जब फिर इतना करके जब एक्स्ट्रा करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर आपका मैनेजर पूछता है, आप बताते हो उसे, आप समझाते हो उसको, एक तरीके से प्रूफ करना होता है एट द एंड, आप अपने आप को प्रूफ कर देते हो, मैनेजर मान जाता है, ओके फाइन, वो आपको रेटिंग दे देता है। जब वो रेटिंग दे देता है आउट ऑफ 5, 1 या 2 या 3 या 4 या 5,
उसके हिसाब से आपका इंक्रीमेंट होता है। अब कितनी रेटिंग पे कितना इंक्रीमेंट परसेंटेज, ये तो कंपनी को पता है, हर साल डिफरेंट होता है। कंपनी डिसाइड्स कि इतने इस लेवल के बंदे, इन इस लेवल के बंदे, जितने भी बंदे हैं इनमें अगर 5 रेटिंग आएगी तो इतना परसेंट देना है, 4 रेटिंग आएगी तो इतना परसेंट देना है, 3 रेटिंग आएगी तो इतना परसेंट देना है, 2 आएगी तो इतना, और 1 आएगी तो जय राम जी टाटा बाय बाय, नहीं तो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान खत्म, वन मतलब खत्म। तो कंपनी इस तरीके से डिफाइन करती है, परसेंटेज हमेशा फिक्स नहीं होती है। बट मैंने बोला आपको कैसे आपका काम रेटिंग में ट्रांसलेट होता है और रेटिंग आपकी उधर ट्रांसलेट होती है कि इतना परसेंट इंक्रीमेंट आएगा। अंडरस्टूड। सो गाइस आई थिंक आप लोगों को एक फेयर आइडिया लग गया होगा हमारे व्यूवर्स को कि है ना ये कैसे आप जो है ये अपने इंक्रीमेंट को है ना इंक्रीज कर सकते हैं। आप अपनी कंपनी में जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं आप लोगों से अपना इंक्रीमेंट फैक्टर डिफरेंशिएट करा सकते हैं ये सब चीज़ों को फॉलो करके। तो आई थिंक इट वॉज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर आवर व्यूअर्स टूडे। यस एंड वी होप दैट यू कीप सपोर्टिंग अस, यू नो हमें थोड़ा और सपोर्ट, होप बट हमको थोड़ा सपोर्ट चाहिए आपसे। यस बिकॉज हमारे मतलब हम एफर्ट्स इसमें डाल रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि आप लोग देखें इसको और पूरा देखें और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करें। यस और आज 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 दोनों क्लाउंस में कुछ डिफरेंस भी आप लोग देख रहे होंगे है ना, तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि क्या डिफरेंस है इन क्लाउंस में। आज आज क्या डिफरेंट किया है, आज हमने डिफरेंट क्या किया है, लेट्स सी इफ यू गाइस कैन कैच इट। या जस्ट स्पॉट द डिफरेंसेस गाइस एंड पोस्ट ऑल दोस आंसर्स इन द कमेंट बिलो। यस यस सो आज के लिए हम विदा लेते हैं। यस सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, बाय बाय गाइस, बाय बाय।